एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ श्वेता और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आप घर पे नारियल का लड्डू बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो आप इंग्रेडिएंट लिस्ट के लिए या तो आप वीडियो के लास्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो है मैं अपना गैस स्टोव को ऑन कर लूँगी। यहाँ पे जो मुझे फ्लेम चाहिए वो है मीडियम फ्लेम। उसके बाद जो है मैं अपना कढ़ाई यहाँ पे चढ़ाने वाली हूँ। कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क की जो क्वांटिटी मैंने ली है वो है 400 ग्राम्स। आप किसी भी ब्रांड का कंडेंस्ड मिल्क ले सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद हमें इसको इसी तरीके से गैस स्टोव पे छोड़ देना है एक मिनट के लिए। एक मिनट के बाद हम इसमें डालने वाले हैं ग्रेटेड नारियल। तो यहाँ पर जो मैंने क्वान्टिटी ली है वो है 300 ग्राम्स। डालते ही हमें तुरंत जो है इसको मिक्स करने लगना है, वरना ये जो है चिपकने लगता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। हमें जो है इसको मिक्स करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा इसको मिक्स ना करें, ना ही इसको गैस स्टोव पे चढ़ाए रखें, वरना ये जो है धीरे धीरे चिपकने भी लगेगा और फिर जलने भी लगेगा। इससे जो है इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको ग्रीस किए हुए बर्तन में इसको उतार लूंगी। यहाँ पे जो है मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने दोनों हाथों में थोड़ा सा घी लगा लूंगी ताकि यहाँ पे मैं इसको गोल गोल बनाने में मुझे आसानी हो। इसके बाद मैं दोनों हाथों की मदद से इसको गोल गोल बना लूंगी, या फिर आप चाहें तो सिर्फ एक हाथ से भी इसको गोल गोल कर सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखें ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे इसको गोल करना है। इसी तरीके से जो है मैं अपने बाकियों के लड्डू को भी कर लूंगी तैयार। ये करना बहुत ही आसान है। तो इस टोटल मिक्सचर से जो है हमें लड्डू मिलेंगे वो है 21 से 22 मीडियम साइज के लड्डू, जैसा कि भी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद जो है मैं एक कटोरी में जो है ग्रेटेड नारियल लेने वाली हूँ और हमारे लड्डुओं को इससे कोट करूंगी। हमारे नारियल के लड्डू हो गए हैं तैयार। तो जैसा कि आपने देखा ये बनाना था कितना आसान। तो इसको आज ही अपने घर पे ट्राई करें, खुद भी खाएं और सबको खिलाएं। और मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके अपने डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। एंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।